नमस्कार, मैं मलकेश सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। आज से तूफान फेंगल का दिखने लगेगा असर। दरअसल झारखंड में दिखेगा असर, आसमान में छाए रहेंगे बादल, न्यूनतम तापमान में होगा इजाफा। 3 दिसंबर से राज्य भर में बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें, हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान। तो आपको बता दें, ठंड का असर जो है लगातार अब देखने को मिलेगा। दरअसल जो फेंगल तूफान है उसका असर जो है आज से दिखना शुरू हो जाएगा और पूरे झारखंड में जो है ठंड अब बढ़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 3 दिसंबर की अगर बात करें तो हल्की बारिश की संभावनाएं हैं और जैसे ही बादल जो है छटेंगे, ठंड जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फेंगल का असर जो है वो दिखने लगा है और आपको बता दें कि ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 दिसंबर को राज्य में हल्की बारिश के साथ जो है ठंड भी बढ़ जाएगी। तो हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने जारी किया है अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान। ऐसे में बताया गया है कि 3 दिसंबर को हल्की बारिश के साथ ठंड जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा पूरे राज्य भर में। फेंगल का असर जो है वो दिखने लगा है। आपको बता दें, जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर से जो है हल्की बारिश होगी और साथ ही साथ ठंड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फेंगल का असर जो है अब दिखेगा और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पूर्वानुमान जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है कई जिलों में झारखंड के, साथ ही साथ जो है ठंड जो है वो बढ़ने वाला है। फेंगल का असर जो है वो दिखने लगा है, फेंगल तूफान का असर, और झारखंड में इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग के वैज्ञानिक का कहना है कि 3 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है और बारिश के साथ ही ठंड में जो है इजाफा हो सकता है पूरे राज्य भर में। बताया गया है कि राज्य के कई जिलों में हल्की फुल्की जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ जो ठंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा देखने को मिलेगा। फेंगल का दिखेगा असर, बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। तो लगातार जिस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने भी जो है पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं बताया गया है कि 3 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है कई जिलों में, बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो फेंगल का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है और 3 दिसंबर से और भी ज़्यादा इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक को कहना है कि 3 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बारिश के साथ ठंड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज से तूफान फेंगल का असर जो है वो दिखने लगा है। आपको बता दें, झारखंड में जो असर है वो दिखने को मिल रहा है। दरअसल आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 3 दिसंबर को पूरे राज्य भर के कई जिलों में जो है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ठंड का इजाफा हो सकता है। ऐसे में राजधानी रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से हम अगर फेंगल की बात करें तो मौसम विज्ञान का कहना है कि 3 दिसंबर को पूरे राज्य भर के कई जिलों में जो है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, साथ ही साथ ठंड में इजाफा हो सकता है। राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि वहां का तापमान जो है हमेशा कम नजर आता है, ठंड वहां पर ज्यादा पड़ती है। तो राजधानी रांची की क्या तस्वीरें है, वहां पर ठंड कैसा है? अमित, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
फेंगल का असर जो है देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि जो है 3 दिसंबर को पूरे राज्य भर के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ठंड बढ़ेगा। वहीं राजधानी रांची में हम देखा जाता है कि वहां पारा जो है लुढ़का हुआ रहता है और ठंड ज्यादा देखने को मिलती है। तो राजधानी रांची में कैसा मौसम है और ठंड कैसा है वहां पर? जी बिल्कुल, राजधानी रांची में ठंड थोड़ा ज्यादा रहती है। झारखंड में सभी जिलों के अपेक्षा यहाँ पर हर जाड़े के मौसम में ठंड थोड़ा अधिक रहती है। इस बार भी जो है ठंड काफी अधिक देखने को मिल रही है। हालांकि मैं बता दूं कि यह ठंड जो है इस बार थोड़ा ज्यादा है क्योंकि दिसंबर माह का यह शुरुआत है और शुरुआत में ही काफी अधिक ठंड देखने को मिल रही है। पोंगल का असर जो है ये इस बार जो झारखंड में है काफी तेज है और तूफान के कारण जो है यहाँ पर जो है मौसम सर्दी जो है वो काफी तेज हो चुकी है। लोगों जो है वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं और सुबह के समय में खास करके जो स्कूल जाने वाले बच्चे लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो इस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो पूरे झारखंड में, राजधानी सहित पूरे झारखंड में जो है मौसम जो है काफी ठंड रहेगी और जो तूफान का बंगाल की खाड़ी में जो आए हुए तूफान है इसका असर जो है साफ तौर पे देखी जा सकती है। क्योंकि अभी जो है 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर माफ कीजिएगा 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर में अमूमन जो है इस तरह का ठंड नहीं देखने को मिलता है। इस तरह का ठंड जो है वो लास्ट दिसंबर में ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है बंगाल की खाड़ी में आए असर का यह प्रभाव है कि समय से पहले ही जो है ठंड काफ़ी हो चुकी है और लोग जो है ठंड से प्रभावित है। तो ऐसे में क्या है कि जो मरीज है, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है जिन्हें सर्दी खांसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बच्चे लोग जो है स्कूल जाने में उन्हें काफी कठिनाइयां महसूस जी मैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक का कहना है, विभाग का कहना है कि साफ तौर पर 3 दिसंबर की अगर बात कर ले, अगले 5 दिनों का जो है पूर्वानुमान लगाया गया, इसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है पूरे राज्य भर की। अगर हम बात करें तो बारिश हो सकती है, साथ ही साथ जो तापमान है पारा वो और नीचे लुढ़केगा। अगर हम बात करें किन किन जिलों में संभावनाएं हैं कि बारिश हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? जी 3 दिसंबर से बारिश होगी, बल्कि बारिश तो आज सुबह से ही हल्का बूंदाबांदी राजधानी में देखने को मिल रही है और जो अगले 5 तारीख तक जो है मौसम का मिजाज ऐसे ही रहेगा और हल्की फुल्की बारिश जो है होती रहेगी। रांची राजधानी में जो है राजधानी सहित आसपास के इलाकों में खास करके आपका कांके नामकुम एरिया में जो है वो बारिश जो है की संभावना बनी हुई है और रांची में अभी से ही जो है बारिश हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है और जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र कांके और नामकुम ये सब एरिया जो है वो ठंड के थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होता है वहाँ पर। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो ठंड का असर है वो दिखने लगा है। अगर हम बाकी जिलों की बात करें तो वहां पर भी ठंड का असर जो है वो दिख रहा है, आसमान जो कोहरा है वो छाए हुए है, तो साफ तौर पर जो है असर वो देखने को मिल रहा है। एक बार दृश्य दिखाए कि आखिर राजधानी रांची में फिलहाल क्या माहौल है, वहां पर क्या धूप निकली हुई है या फिर बादल छाए हुए है? जी मैं बता दूं कि आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी तरफ जो है वो कोहरे का प्रकोप जैसा दिख रहा है। कोहरा नहीं कह सकते हैं लेकिन मौसम साफ नहीं है और मौसम साफ नहीं होने की वजह से जो है लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं, धूप नहीं निकली है और धूप नहीं निकलने से जो है ठंड अधिक महसूस हो रहा है, लोगों को ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे जो है लोग सब्जियां बेच रहे हैं और गर्म कपड़े पहन के किसी तरह वो अपने आप को कुकड़ू करके कह सकते हैं बैठी हुई है और बैठ करके वो सब्जियां बेच रही है। इसी तरह जितने भी दुकानदार है वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं, कानों में मफलर लगाए हुए हैं, इनर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं क्योंकि ठंड जो है आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कल के बनिस्पत अचानक जो तापमान में गिरावट आई है यह तकरीबन जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच चुका है और ऐसे में यह अभी और जो है तापमान में जो है हो सकता है 12 बजे के बाद तापमान कुछ बढ़े तो लोगों को थोड़ा आराम मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो तापमान में गिरावट होने की वजह से जो है काफ़ी लोगों को ठंड लग रही है। और मैं बता देना चाहूँगा कि अभी जो है यह टाइम स्कूल
का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे स्थिति में प्रशासन को जो है अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अमूमन चौक चौराहों पर जो है लोगों के लिए लकड़ियां है, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कर दी जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि समय से पहले ठंड आ गई है, प्रशासन को जो है इस पर अभी पूरी तरह से इस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड के कारण जो है कई कमज़ोर लोग जो होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी अक्सर मौत हो जाती है। अस्पतालों में जो है अचानक से भीड़ बढ़ने की जो है बात कही भी जा रही है, क्योंकि कल ही रिम्स के डॉक्टरों के द्वारा यह बात कही जा रही थी कि इस मौसम में जो है लोग बीमार अधिक पड़ते हैं और मरीजों की संख्या में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खास करके रांची के जो ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर जो है ठंड थोड़ा ज़्यादा मिलता है देखने को, क्योंकि वहाँ खुला एरिया होता है, पेड़ पौधे पहाड़ जंगल होते हैं, तो ठंड थोड़ा अधिक होने से लोगों को काफी परेशानी होती है और खासकर वृद्ध लोग, बच्चे लोगों को। जी हमें तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो ठंड है अब धीरे धीरे पारा लुढ़क रहा है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं फेंगल का असर जो है वो अब दिखने लगा है। आपने जिस तरीके से बताया कि राजधानी में जो है बूंदाबांदी बारिश भी है और ये संभावनाएं जताई गई है कि 3 दिसंबर को राज्य भर के कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर अगर हम बात करें तो घने कोहरे और आसमान में कुहासा जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है। तो ठंड का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिसंबर का महीना है, पहला सप्ताह दिसंबर का, ऐसे में जो पारा है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, लोग अलाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें फेंगल की तो फेंगल का असर जो है साफ तौर पर अब दिखने लगा है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है अगले 5 दिनों का, इसमें बताया गया है कि 3 दिसंबर की अगर हम बात कर ले तो 3 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कई जिलों में जो है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और साथ ही साथ जो पारा है वो और नीचे लुढ़कने वाला है। तो ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें हम चतरा की तो चतरा से भी हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से ठंड का असर और जिस तरीके से तूफान की हम बात कर रहे हैं फेंगल के, उसका असर जो है देखने को मिल रहा है कि तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है और ठंड लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बूंदाबांदी बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है, चतरा का क्या कुछ माहौल है, वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है? ठंड का असर, लेकिन ठंड उतनी भी अधिक अभी नहीं है कि लोग परेशान हो जाए, लेकिन ठंड अभी जो सुबह में जो है सबसे अधिक ठंड लगती है और शाम में अधिक ठंड लग रही है और बाद में रात भर ठंड लगती है। तो दिन में जब धूप उग जाने के बाद थोड़ी सी लोगों को राहत मिलती है और इससे जो ये मौसम है पूरी तरह खुशनुमा हो चुका है। देखिए बात करें हम दिसंबर, चूंकि यह दिसंबर है और दिसंबर में कहा जाता है कि जो व्यवस्था है, जो हमारे झारखंड की व्यवस्था देश की, वो ठंड के वजह से प्रभावित होती है। ऐसे में जो स्कूलें हैं वो बंद कर ली जाती है या जो भी काम है वो उसमें थोड़ा सा ढिलाई दिया जाता है। तो हम चतरा की बात करें, चतरा का जो, चूंकि चतरा एक पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पे माता भद्रकाली के अलावा कई ऐसे स्थल है जहाँ लोग सब बाहर के सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो ये जो मौसम उसका इंतजार करते हैं अनिकेत, वो चाहते हैं कि कब दिसंबर आए और हम वहाँ घूमने के लिए, वहाँ जो वहाँ का जो मौसम उसका आनंद लेने के लिए पहुंचे। ऐसे में चतरा का मौसम अभी जो है, अभी ठंड जो है बहुत अधिक नहीं है और ठंड जो है अभी अभी का ठंड है जो लोगों को आनंद दे रहा है। देखिए आगे जैसे जैसे दिसंबर गुजरता जाएगा और ठंड का प्रभाव पड़ता जाएगा। जी अनिकेत जी बिल्कुल साफ तौर पर आप ठंड की हम बात कर रहे हैं तो चतरा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पर्यटक स्थल है और वहां पर अगर हम जंगल झाड़ की बात करें तो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसे में ठंड का असर जो है वहां पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे चूंकि सुदूर क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र है चतरा के इर्द गिर्द में जैसे प्रतापपुर, लावलम, कुंदा, इटखोरी, ऐसा बहुत सारे जगह है
जो ग्रामीण क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का जो वातावरण है, वहां जो ठंड है वो शहरों के बनिस्पत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं जो शहरों में जो क्लाउड है या पॉल्यूशन है, जिस वजह से वहां पे ठंड का असर थोड़ी कम होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो पॉल्यूशन मुक्त होता है, तो वहां पे जो ठंड का असर है वो काफी अधिक होता है। अभी चूंकि शुरुआत है ठंड का, इसलिए ये जो ठंड है उतनी अधिक नहीं है निकेश, जिस ताकि लोगों को जीना मुहाल हो जाए। हाँ, ठंड बढ़ा है, लोगों को जो गर्म कपड़े हैं उसकी खरीदारी बढ़ गई है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करना शुरू कर दिए हैं गर्म कपड़ों का, जो दुकानें हैं वो सज गई है गर्म कपड़ों की। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो ठंड का जो आनंद होता है वो लेना शुरू लोगों ने कर दिया है। अनुज, अगर हम ठंड की बात कर रहे हैं, गर्म कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो ठंड में देखा जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो अलाव लेते हुए नजर आते हैं, और चाय की चुस्कियां, जो चाय की टपरियां होती है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, चाहे सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, और अलाव जो है दिन भर लगातार जो है जलता रहता है। अनिकेत, चूंकि ठंड में चाय का एक अलग आनंद है, ठंड में जो चाय जो मिलती है वो निश्चित ही मानिए कि बड़ा सुकून देने वाला होता है। ऐसे में चाय की दुकानों पे लोगों का जमावड़ा होना लाजमी है। वही बात करें हम जो बुजुर्ग लोग सब है, देखिए अनिकेत, बुजुर्ग का एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा स्थिति होता है कि वहां पे उनको ना उनको गर्माहट की आवश्यकता होती है, तो वो गर्माहट अलाव से ही मिलता है। और शाम को बात करें या सुबह की बात करें, तो ये जो बाकी टाइम में तो लोग सब सो जाते हैं, वहां पे कंबल की व्यवस्था होती है वो कर लेते हैं, लेकिन सुबह और शाम तो अलाव से ही एक माध्यम होता है जिससे लोग गर्माहट मिल सके और ये जो ठंड है इससे निजात मिल सके। देखिए लेकिन जिस तरीके से ठंड की बात कही जा रही है, फेंगल का असर जो है पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से राजधानी रांची से अगर हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहा था कि बूंदाबांदी बारिश देखने को मिली है और अगले एक दो दिन जो है बूंदाबांदी बारिश देखने को मिलेगी, और जो है आसमान से जो है गोले, जिस तरीके से ठंड के गोले है वो बरसते हुए नजर आएंगे। अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या चतरा में बारिश हो सकती है अगले एक दो दिन में? जी अनिकेत, होने की संभावना है, बारिश है, बादल भी थोड़े थोड़े से हो रहे हैं, तो अगर ठंड अगर बारिश हो जाती है तो यकीन मानिए कि ठंड में काफी एकाएक वृद्धि हो जाएगा, ठंड का असर जो है वो काफी प्रभावी हो जाएगा और सब लोगों के साथ में एक बड़ी परेशानी आ जाएगी, जिसका आनंद लेना चाहते हैं वो बड़ी परेशानी हो जाएगी, और फिर जिला प्रशासन को भी इस पर विशेष पहल करना पड़ेगा। लोगों को जो आम लोग सब जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की हो जाती है, ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन देखा जाता है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है हर जिले में, जिला प्रशासन जो है काफी एक्टिव हो जाता है, जिस तरीके से अलाव की जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरे जो है वो बनाए जाते हैं कि अगर बाहर से कोई लोग आता है तो वो बाहर ठंड में ना सोए, तो उसके लिए रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं, तो क्या कुछ इसका भी इंतजाम किया जा रहा है, जिस तरीके से ठंड बढ़ने की जो है वो आशंका अब जताई जा रही है? देखिए, जिले के जो उपायुक्त है वो काफी गंभीर है इस मसले पर, उनसे भी बात हुई है, जो ठंड में लोगों को, उनका कहना है कि ठंड में लोगों को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, लोगों को एक बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। देखिए, अब जैसे जैसे ठंड का असर होता है, जिले के उपायुक्त उसके निमित्त काम करेंगे, क्योंकि अभी जो ठंड है वो ठंड लोग सब अपने जो जुगाड़ है, अपनी व्यवस्था है, उसके उससे लोग सब उससे निजात पा ले रहे हैं, और जब जब ये बड़ा होता चला जाएगा, जब बारिश हो जाएगी, यहाँ पे ठंड का असर बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जिला प्रशासन जो है वो काफी गंभीर है और वो काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अलाव की व्यवस्था की बात करें या फिर गर्म कपड़ों का, जो गांव स्तर में जो लोग रहते हैं, जिला प्रशासन इसकी शुरुआत कर दी है, कई ऐसे गाँव है जहाँ पे जाकर गर्म कपड़े बच्चों के लिए स्वेटर हो, शॉल की व्यवस्था, ये जो है जिला प्रशासन द्वारा उन्हें मुहैया की जा रही है, ताकि ठंड का असर जो है वो इन लोगों पर ना पड़े, लोग सब जो है वो ठंड से बच सके। निकेत,
जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिला प्रशासन इसको लेकर के लगातार मुस्तैद नजर आती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, फेंगल का असर जो है वो दिखने लगा है। राजधानी रांची की बात करें तो वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चतरा की तस्वीरें दिखाई, जहां राजधानी रांची से हमारे संवाददाता साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिली है। और कल की अगर हम बात कर ले, यानी कि 3 दिसंबर की अगर हम बात कर ले, तो कहा गया है कि 3 दिसंबर को पूरे राज्य भर के जो है कई जिलों में बूंदाबांदी बारिश देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ठंड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर जो है फंगल का असर जो है वो दिखने लगा है। और अगले 5 दिन का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें कहा गया है कि बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ पारा जो है वो और नीचे लुढ़कता हुआ नजर आएगा। ऐसे में टीवी 45 भी लोगों से अपील करता है कि जो कंबल है वो निकाल ले और अलाव की व्यवस्था कर ले, क्योंकि अब ठंड जो है वो लगातार बढ़ने वाली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।